सो हेलो गाइस, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की छोटा सा वीडियो में हम एक बोया माइक का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। जानेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसका प्राइस कितना पड़ा और आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसका ऑडियो टेस्ट करके भी आपको बताने वाला हूँ, तो बन रहे वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन कुमार एंड आप सभी लोग देखते हैं मास्टर माइंड यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये बोया का माइक जिसका बॉक्स में सामने से ऐसा इंटरफेस शो होता है। हालांकि इस बॉक्स को मैंने ऑलरेडी एक बार ओपन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ से सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद इसके अंदर एक पाउच देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र गाइड देखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से आपको इस माइक को यूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बोया यूनिवर्सल लेवेडियल माइक्रोफोन। तो फिलहाल इसको हम रखते हैं साइड में। उसके बाद इसके अंदर और भी कुछ देख लेते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर एक और कार्ड देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये कार्ड एक वारंटी कार्ड है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये एक बिलिंग कार्ड है। फिलहाल इसको भी रखता हूँ साइड में। यहाँ पे वारंटी का पॉलिसी भी दिया गया है, इसको रखता हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक पाउच देखने को मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है बोया, तो इसको मैं भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं वो सब पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस पाउच के अंदर और भी बहुत सारे सामान देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक कार्ड देखने को मिल जाते हैं, बोया का एक ब्रांडिंग कार्ड देखने को मिल जाते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टिकर, दो स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ जैसे कि आप इजीली कहीं पर भी लगाना चाहते हैं, माइक पे लगा सकते हैं, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक पाउच देखने को मिल जाते हैं, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं देख लेता हूँ क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, अगर आप DSLR में यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली DSLR में लगा सकते हैं। सिंपली से आपको इस जो 3.5 mm जैक है इसको इसमें लगा देना है। उसके बाद इजीली इसको DSLR में लगा करके इस माइक को यूज कर सकते हैं, तो इसको भी रखता हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक पता नहीं क्या है, इसको रखता हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोम देखने को मिल जाता है जो आप इजीली इस माइक में लगा सकते हैं, ताकि आपका जो नॉइज़ है वो इस मतलब कि माइक में रिकॉर्ड ना हो, तो कुछ इस तरीके से इसको इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे एक क्लिप देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इस क्लिप को आप लोग इजीली इस तरीके से अपने माइक में फिट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ, तो ये मैंने इसमें लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बैटरी देखने को मिल जाते हैं, तो इस बैटरी को भी लगा करके दिखा देता हूँ। बैटरी लगाने के लिए आपको यहाँ पे इसको खोलना होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। उसके बाद आपको इजीली इसमें बैटरी को लगा देना है। हालांकि आप स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे इस माइक को, तो बैटरी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इस माइक में मैं बैटरी को नहीं लगाता हूं। अब मैं आपको इसका ऑडियो टेस्ट करके बताता हूं कि इस माइक का जो ऑडियो कैसा है और फ़ोन का माइक का ऑडियो कैसा है। सो गाइस, अभी जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं ये हमारे स्मार्टफोन का एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि माइक को मैंने यहाँ पे फिट कर लिया हूँ और यहाँ पे इस माइक का कॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब मैं इस कॉर्ड को अपने मोबाइल फोन में लगाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा आपके ऑडियो में कितना ज़्यादा बदलाव आता है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल फोन में इसको लगा लेता हूँ। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया बाई M1 माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इस माइक की क्वालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो बस ये माइक कुछ ऐसा है। अगर आप लोगों को कैसा ऑडियो लगा नीचे कमेंट बताएं, और आप इस माइक को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं। तो बस इसी वीडियो में बताइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं।